cute couple of Teletown, Srishti Rode and Manish Nagdev, talk about their relationship. They tell us about how and when their love story started. Pehla? Kisne kaha ki Manish ka pehla Valentine hai? Manish ka to kai sare Valentine ho chuke honge. Haan, actually, bachpan se sabke hote hain Valentine's Day. Par kabhi akele hote hain, kabhi kisi ke saath hote hain. To is baar mere saath meri girlfriend hai. Yes. Yo, Valentine. My Valentine. इस लव स्टोरी की शुरुआत अभी तक हो ही रही है. मतलब एवरी डे इज अ न्यू डे, सो एवरी डे इज समथिंग न्यू, इट्स स्टिल द न्यू. तो अभी तक शुरुआत ही है एंड आई थिंक थैंकफुली है और होनी चाहिए हमेशा ऐसे ही, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही. हम लोग हर रोज एक कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं. हर रोज मनीष मुझे प्रपोज करता है, हर रोज मैं हाँ बोल देती हूँ. खुश होने दो यार, चलता है. हम लोग एक्चुअली ऐसी मतलब हमको मालूम भी नहीं पड़ा एक्चुअली कि क्या हमारे कॉमन फ्रेंड ने हमें मिलवाया था. हाँ, और फिर हम लोग दोनों मिलते रहे, गाड़ी में घूमते रहे, ड्राइव करते रहे, खाना बहुत कोशिश की मुझे खाना खाने जाते थे, डेट पे जाते थे. एक मिनट, मनीष ने बहुत कोशिश की मुझे बचाने की. पीछे पड़ा रहता था, मेरी बिल्डिंग के नीचे वेट करता था, फूल लेके चॉकलेट्स लेके आगे पीछे घूमता रहता था. और फिर मैंने फाइनली बहुत टाइम पर ये सारे मौके मुझे इसने खुद दिए थे, तो मैं कर पाया ना, वरना मैं कर ही नहीं पाता. किया ना, किया ना. तो फिर बस हमको लगा कि हमारी बहुत ट्यूनिंग मैच कर रही है, हम लोग एक दूसरे से मतलब बहुत खुश रहते थे साथ में. सो वी जस्ट थॉट कि यू नो लेट्स स्टार्ट ऑफ, और अपने आप ही स्टार्ट हो गया. और पता नहीं कब स्टार्ट हुआ. मैं बताती हूँ, मनीष ड्राइव करा था और हमारा फ्रेंड बाजू में बैठा हुआ था और मैं पीछे बैठी थी. तो वो ड्राइव करा था एंड सडनली इज लाइक, अरे सृष्टि तो पता ही था, तो बोलता है सो सृष्टि मैंने से बर्थडे. मैंने बोला 24th of September. उसने गाड़ी ब्रेक मार दी, बोलते व्हाट, और टर्न हुआ, बोलता माय बर्थडे इज आल्सो ऑन द 24th of September. आई सेड ओ नाइस नाइस नाइस. मैं बिलीव नहीं कर रही थी. हाँ, मैं बिलीव नहीं कर रही, मुझे लगा कि ये कोई नया टैक्टिक है लड़की को पटाने का. मतलब यू नो अभी बोलेगा कि हाँ मेरा भी बर्थडे सेम है. पर फिर मैंने बोला कि कैन आई सी द कार्ड, योर आइडेंटिटी कार्ड. तो उसने मुझे बहुत स्मार्टली, ये बात मैं आपको बताती हूँ, बहुत स्मार्टली 24th September तो दिखा दिया, लेकिन वो जो एज ईयर ब्रैकेट था ना, वो बहुत स्मार्टली अपने फिंगर से कवर करके दिखाया. सी सी माय आइडेंटिटी, ही वाज नॉट, ही वाज ट्राइंग टू हाइड हिज एज फ्रॉम मी, व्हिच इज सो बैड. फिर नेक्स्ट हम लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे, तो ऐसी फैमिली की बातें ऐसी निकली आ रही, घर में कौन कौन है टाइप से ना. तो फिर उसने बोला कि अच्छा मॉम वॉम का कुछ ऐसे टॉपिक निकला, तो तुम्हारे मॉम का नाम क्या है? मतलब साधना. वापस खाते खाते रुक गया, बोला व्हाट, मेरी मॉम का नाम भी साधना है? मैंने बोला ये तो स्टोरी है, स्टोरी है. फिर मॉम का नाम सेम, फिर गाड़ी हम दोनों की सेम है, एंड मनीष की भी एक बहन है, मेरी भी एक बहन है, मनीष के घर पे भी एक डॉग है, और अभी मेरे घर पे भी एक डॉग आ गया है, और दोनों फीमेल है. हम दोनों के डॉग्स फीमेल है, और बहुत सिमिलैरिटीज है. उसके बाद में इसने मुझे कहा प्रपोज करो. मैंने बोला ठीक है यार, ऑफिशियल, ये लड़का और मैं लड़की हूं, पता चले अगर ये भी लड़की होती है मैं भी लड़की होती है, तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी हो जाती. वही हमारी यूएसपी है. हम लोग वो कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट, ऐसा होता है मतलब बिजनेस में कहते हैं, जो आपकी एक स्पेशलिटी होती है वो हमारे अंदर यही है कि हम दोनों बहुत मतलब फ्रेंडली घूमते हैं, हर चीज़ साथ में करते हैं. कुछ भी हो इस दुनिया में हम लोग साथ में करते हैं. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मैं अकेला जाकर अपने फ्रेंड के साथ करता हूँ, या ये कहीं जाके बोलते कि आज तुम बताओ, मैं अकेले जाके यू नो आई वॉन्ट टू एन्जॉय. सो वेरेवर वी आर, लाइक वी आर टुगेदर एंड वी एन्जॉय अलॉट टुगेदर ईच अदर्स कंपनी. और अभी इसको लग रहा है कि मुझे दिख नहीं रहा है, पर मुझे सब कुछ दिख रहा है, क्या कर रही है नाटक. Of course, मैंने ही किया, मुझे करवाया गया, बहुत जबरदस्ती के साथ करवाया गया. अब वो तो अभी आप लोगों को सबको समझ में ही आ रहा होगा. नहीं नहीं, मैंने ही किया, और मतलब मैं अपने बहुत प्राउडली कहता हूँ कि मैंने किया यार, मतलब मुझ में गट्स है इसलिए मैंने किया. इसमें दम होता है वही प्रपोज करता है. बहुत बोरिंग प्रपोजल था. एक्सक्यूज मी, वी आर नो मोर टुगेदर, वी आर नो मोर टुगेदर, प्लीज यू कैन गो, यू कैन जंप. तो एक्चुअली मुझे बोला दैट मनीष ना के बोला दैट यू रियली वॉन्ट मी टू प्रपोज. आई सेड यू रियली वॉन्ट मी टू बी योर गर्लफ्रेंड.
तो बोलता है नहीं मतलब प्रपोज करना जरूरी है क्या? मैंने बोला हाँ जरूरी है, अगर प्रपोज नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर तो मुझे आता नहीं है प्रपोज कैसे करते हैं. तो वो बहुत बोरिंग प्रपोजल था और मैंने उसको सिखाया था कि लड़की को प्रपोज कैसे ये करते सब हैं. इसने बहुत झूठ बोला हुआ है, तुम क्या ठीक है ना, व्हाई यू वांट टू लाई. हाँ तो ऐसे तो मुझे बोलता था मुझे आता नहीं है प्रपोज करने कैसे करूँ, आई एम वेरी बैड एट इट, आई एम वेरी मतलब यार कभी लड़की को देखा पिक्चरों में नहीं देखा है क्या फूल लेके वो. तो फिर फाइनली फूल वूल लेके ऑन हिज नीज ही आस्क्ड मी आउट. ओह गॉड, ये सब इसने लपेटा है, बिग टाइम लपेटा है. अरे मेरे मेरे बारे में सब जानते हैं, बारे में ऐसे मत बोलो कि मुझे प्रपोज करना नहीं आता. Manish once again proposes Srishti in a very cute and romantic style. Have a look. हाँ मतलब मेरे को actual में real अच्छा proposal मिला नहीं है तो अभी मुझे propose करो. Srishti dude, I love you. You do? Yes, I do. You are the last girl of my life. Thank you. I love you. Thank you. I love you. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. Valentine's Day पर be with your loved ones. It's not necessary to be with your girlfriend, boyfriend or your partner, but loved ones mean आप अपने parents, अपने भाई बहन, अपने friends, किसी के साथ भी Valentine's Day celebrate कर सकते हैं. Because अभी तो मनीषा, but पहले मैं अपने mom dad के साथ भी Valentine's Day celebrate करती थी. मेरे mom dad भी मुझे red flowers देते थे और बहुत special feel कराते थे और मैं भी उन्हें करती थी. तो I think Valentine's Day is a day of love, not for partners or not for boyfriend, girlfriends or husband, wives. It's for loved ones. So happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. We wish you both a very happy Valentine's Day and we wish you guys a happy life together. Ruchika Singh with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Manish Nagdev and you're watching me on India Forums. And please, please subscribe to WhatsApp TV.